विजय सिंह गुज्जर राजस्थान के झुंझुनू जिले के देवीपुरा गांव के निवासी थे। पिताजी श्री लक्ष्मण सिंह किसान हैं और माताजी श्रीमता चंदा देवी गृहिणी। पांच भाई बहनों में वह तीसरे थे। आरंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त हुई थी। पढ़ाई में वह काफी ही औसत थे, यानी एवरेज स्टूडेंट। 11वीं कक्षा में पिताजी ने संस्कृत स्कूल में दाखिला दिलवाया, क्योंकि संस्कृत पढ़ने के बाद अध्यापक बनना आसान होता था और पापा चाहते थे कि वह शिक्षक बनकर परिवार का सहारा बने। संस्कृत कॉलेज में शास्त्री करने के बाद में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने लगे। तो किस प्रकार परिवार की और सबसे बड़ी पिता की बात को कट करके कैसे उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया, ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। राजस्थान में शिक्षक की भर्ती, सेना की भर्ती, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में वह असफल रहे। तभी साल 2009 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली। उनका एक दोस्त पहले से ही दिल्ली पुलिस में सिपाही था, उसने उन्हें दिल्ली आकर कोचिंग ज्वाइन करने की सलाह दी। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पोस्ट पर उनका चयन हो गया। जिस दिन उनका कांस्टेबल का परिणाम आया था, वह अपने पिताजी को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा उन्होंने खुश देखा। सभी मध्यवर्गीय बच्चे की तरह उनके भी मन में आया कि काश मैं भी आईएएस या आईपीएस होता। थोड़े दिन बाद उनका सब इंस्पेक्टर का परिणाम आया, जिसमें वह पास हो गए। इस परिणाम ने उनमें आत्मविश्वास बढ़ाया और उन्होंने यह निश्चय किया कि वह भी सिविल सेवा की परीक्षा देंगे। उन्होंने एसएससी और सीजीएल का पेपर भी दिया। ट्रेनिंग से पास आउट होने के बाद एक साल के लिए उन्हें दिल्ली के संगम विहार पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग मिली। वहां हर सब इंस्पेक्टर दिन में 15-16 घंटे काम करता था। थाने में आकर पढ़ाई से नाता ही टूट सा गया। 10-11 महीने के बाद उनका एसएससी का परिणाम आया और उन्हें केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क केरल में मिला। उन्होंने 2 महीने में दिल्ली पुलिस से त्यागपत्र दिए दिया और केरल में कार्य ग्रहण कर लिया। केरल आने के बाद थोड़ा ज़्यादा समय पढ़ाई को देने लगे, लेकिन हिंदी माध्यम की पाठ्य सामग्री के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। साथ ही अकेले तैयार करने के कारण वह हतोत्साहित हो जाते थे। उन्होंने दोबारा एसएससी की परीक्षा दी। इस बार उनकी अच्छी रैंक होने के कारण उन्हें दिल्ली में आयकर निरीक्षक मिला। फरवरी 2014 में उन्होंने दिल्ली ज्वाइन कर लिया। दिल्ली आने के बाद उन्होंने कुछ कोचिंग से क्लासेस ली, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीके उन्हें पसंद नहीं आए तो उन्होंने स्वयं अध्ययन का ही निर्णय लिया। 2013, 2014 और 2015 के 3 प्रयासों में वह प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। उनका खुद से विश्वास उठने लगा था। सारी ऊर्जा लगाने के बाद भी कुछ परिणाम नहीं निकल रहे थे। इसी बीच घर वाले शादी के लिए दबाव बनाने लगे, क्योंकि उनकी सगाई 2012 में ही हो चुकी थी तो 2015 में शादी हो गई। शादी के बाद उनकी पत्नी और उनके एक मित्र ने उन्हें साल 2016 के प्रयास के लिए न केवल माहित किया, बल्कि हमेशा उनका हौसला भी बढ़ाया, उनकी कमियां दूर करने में उनकी मदद की। 2016 में उनके साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, फिर वही हुआ। अंतिम परिणाम में 8 नंबर से वह बाहर हो गए। 31 मार्च को परिणाम आया कि उन्होंने यह तय कर लिया कि अब और नहीं। 2 दिन तक यही सोचते रहे कि किताबें कबाड़ी को बेच देते हैं। एक दोपहर अपने घर के बालकनी में कबाड़ी का इंतजार कर रहे थे कि पीछे से पत्नी सुनीता आई और बोली, इतने दिन स्टडी की है, बस 4 महीने की बात है, एक बार और कोशिश करो। उसके इस विश्वास ने उनका दिमाग बदला और उनकी पूरी मेहनत से एक बार फिर परीक्षा में बैठने का फैसला किया। इस बार उन्होंने अपने पिछले प्रयास भी कमियों को दूर किया और आखिरकार 574th रैंक के साथ वह चयनित हो गए। उनके आसपास के 15 गांवों में उनका आज तक का पहला चयन था। जब वह घर गए तो करीब 2-3 हज़ार लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। उनके गांव ने साथ रहकर उनकी सफलता का जश्न मनाया। उन्होंने हमेशा अपने चयन को सफलता न मानकर बस एक अवसर माना है, जो उन्हें उन लोगों के दुख दूर करने में सक्षम बनाएगा जिनकी परेशानियों को उन्होंने नज़दीक से जाना था। अंत में वह इतना ही कहना चाहते हैं कि जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है।
तो यह थी आज की हमारी सक्सेस स्टोरी। आप कौन से आईएएस ऑफिसर की सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभास प्रकाश लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन सभी किताबों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सी सेट के टॉपिक वाइज सॉल्ट पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 ई सैम्पल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।